प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। इससे पहले वाली वीडियो में हमने जो समझा था गौतम बुद्ध के बारे में, गौतम बुद्ध के निजी जीवन के बारे में, निजी जीवन के अलावा गौतम बुद्ध ने कौन कौन से सिद्धांत दिए या बुद्ध धर्म से जुड़े हुए कौन कौन से सिद्धांत थे, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए उनको हमने पढ़ा था, और काफ़ी लंबा जो है लेक्चर हो गया था 47-48 मिनट का। आज हम दूसरे वाले पार्ट में समझेंगे कि गौतम बुद्ध या बौद्ध धर्म से जुड़े हुए अन्य कौन कौन सी बातें हैं, अन्य कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं या कौन कौन से ऐसे यूनिट्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे बुद्धिस्ट काउंसिल्स के बारे में। तो बुद्धिस्ट काउंसिल की जब बात करते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं हम बोध संगतियाँ, बोध संगति, संगतियाँ इसको बोलते हैं। ये माता थोड़ा शायद उस साइड में लगेगी, बोध संगतियाँ। संगीतियों को जनरली आप लोग सम्मेलन कह सकते हैं, कॉन्फ्रेंस टाइप सम्मेलन भी इसको कहा जा सकता है, यानी कि ऐसा सम्मेलन जहाँ पर बहुत सारे बुद्धिस्ट मॉन्क्स आकर के बैठते थे, बौद्ध भिक्षुओं का एक समूह बैठता था यहाँ पर, आप लोग लिख भी सकते हैं उसको, जहाँ पर बौद्ध भिक्षु होंगे, कुछ बौद्ध भिक्षु वहाँ पर हो सकता है किसी न किसी ग्रंथ का निर्माण कर रहे हो, उस ग्रंथ में हो सकता है कि किस प्रकार के जो है कौन कौन से कुछ नॉर्म्स सेटल किए जा रहे हो, नॉर्म्स को आप कह सकते हो कुछ मानक जो फॉलो किए जाने चाहिए जो भी बौद्ध धर्म को जो ग्रहण करेगा उसके लिए, या बौद्ध भिक्षुओं को कौन कौन से नॉर्म्स पता होने चाहिए। इन ग्रंथों में हो सकता है कि बुद्ध जो थे, बुद्ध के जीवन के बारे में जो बताया गया हो, बुद्ध की लाइफ के बारे में बताया गया हो, या हो सकता है कि उन्होंने जो जो उपदेश दिए थे, सर्मन्स दिए थे, उनसे जुड़ी हुई बातें हो, तो ये ग्रंथ इस प्रकार के बनेंगे। यहाँ पर अलग अलग ग्रंथ बनेंगे, हम अभी डिस्कस करेंगे कौन कौन से होंगे। दूसरा इसमें जो इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट होगा आपका, आपको ध्यान रखना कि रॉयल पेट्रोनेज किसने दिया था, या रॉयल पेट्रोन यानी किसको आप कह सकते हो, शाही संरक्षण किस जो है राजा ने दिया, शाही संरक्षण किस राजा ने दिया या किस वंश ने जो है दिया। जैसे आप जानते हो, आपने अशोक का नाम सुना होगा, तो अशोक ने भी बौद्ध धर्म को शाही संरक्षण प्रदान किया। बंगाल के जो पाल वंश के शासक थे उन्होंने भी ऐसा किया, बहुत सारे ऐसे थे जैसे कनिष्क थे उन्होंने भी ऐसा किया कुषाण वंश के, आगे उसको हम समझेंगे वहाँ पर क्या क्या चीज़ें थी। फिर आपको यहाँ पर एक बात और भी ध्यान देनी है कि इसकी अध्यक्षता या चेयरमैनशिप आप इसको बोल सकते हो, वो किसने की थी, अध्यक्ष कौन था, या हो सकता है आपसे पूछ सकता है कि उपाध्यक्ष कौन था। इसका मतलब क्या होगा, वाइस चेयरमैन इसको कह देंगे। इसका मतलब ये होगा कि किसकी देखरेख में ये सदी से भी बहुत संगतियाँ हो रही। देखिए, जो राजा थे जिन्होंने संरक्षण प्रदान किया, संरक्षण का मतलब यहाँ इस बात से है कि उन्होंने उनकी परमिशन के माध्यम से जो है बौद्ध भिक्षुओं ने अपने अध्यक्षों को बुलाया एक पर्टिकुलर स्थान पर। यहाँ पर आपको स्थान भी याद रखने पड़ेंगे कि किस किस जगह पर ये बौद्ध संगतियाँ हुई थी। इनकी जो संख्या थी बुद्धिस्ट काउंसिल्स की, वो चार थी टोटल। तो अगर इनकी बात की जाए तो टोटल चार जो है संख्या में थी। कौन सा वो स्थान था, जैसे वैशाली में कब हुई, कुंडलवन कश्मीर में कब हुई, राजगृह में कब हुई, तो ये क्वेश्चंस यहाँ से जो है ठीक ठाक आपसे पूछे जाते हैं। तो बौद्ध की जो संगतियाँ थी, बौद्ध संगतियाँ या बुद्धिस्ट काउंसिल्स जो थी, यहाँ से एक अच्छा क्वेश्चन जो है आपसे पेपरों में हमेशा पूछा गया है और आगे भी पूछा जाता रहेगा। बौद्ध संगतियों में हमें बहुत सारी बातों को ध्यान रखना है, जैसे कि सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि उसका नंबर कौन सा था, यानी कि कौन से स्थान की थी वो, पहली थी, दूसरी थी, तीसरी थी, चौथी थी, इस प्रकार से इसको समझेंगे। तो जैसे मैंने कहा कि जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल थी, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल या प्रथम बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध संगीति, आपको इसमें ध्यान रखने की कौन कौन सी बातें हैं कि उसका टाइम पीरियड क्या था, यानी कि समय क्या था उसका, एक तो ये देखना है। फिर आपको ध्यान रखना है कि उसका अध्यक्ष कौन था, ठीक है ना, अध्यक्ष का मतलब जो भी उसका चेयरमैनशिप जिसने की वहाँ पर की होगी। रॉयल पेट्रोन किसने किया, शाही संरक्षण किसने प्रदान किया, आपको ये भी बात ध्यान रखनी है साथ साथ में। उसके अलावा इस समय कौन कौन से कार्य हुए, ये भी ध्यान रखना है आपको, और कार्य से पहले आप यहाँ पर लिख सकते हो कि उसका स्थान क्या था। फिर बाद में आप लिख सकते हो कि उसमें कौन कौन से कार्य किए गए थे, या कंपाइलेशन ऑफ जो भी एपिक्स थे, कौन कौन से ग्रंथ की जो है वहाँ पर निर्माण हुआ था, इन बातों को भी आपको ध्यान रखना है। पहली जो बौद्ध संगति थी उसका समय था 483 BC, यानी कि 483 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व। आप समझते हो कि इस समय जो गौतम बुद्ध थे, बुद्ध की मृत्यु हो गई थी, तो बुद्ध की मृत्यु के पश्चात में जब उनकी डेथ हो गई, तो मृत्यु के पश्चात में बहुत सारे बौद्ध भिक्षु आए, उन्होंने कहा कि अब हम अपना बौद्ध धर्म का प्रमुख किसको बनाएंगे यहाँ पर।
तो यहाँ पर इस बात की जो चर्चा चली, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर हुई। तो यहाँ पर जो बौद्ध भिक्षु थे, उन बौद्ध भिक्षुओं ने अपना जो अध्यक्ष चुना यहाँ पर, वो चुना महाकश्यप को। महाकश्यप नाम के एक बौद्ध भिक्षु थे जो सबसे वरिष्ठ थे इनमें, सबसे सीनियर थे। तो महाकश्यप को यहाँ पर बनाया गया, क्या इस पहली जो बौद्ध संगति थी उसका अध्यक्ष बनाया गया। बात करते हैं अगर शाही संरक्षण की, तो ये हुई थी अजात शत्रु के समय में, और आप पहले वाली क्लास आपने पढ़ी है। अजात शत्रु आप जानते हो हरियंक वंश का था, बिम्बिसार का बेटा था अजात शत्रु, आप जानते ही हो श्री को। तो उनके समय में जो है ये हुई थी। फिर पूछा जाएगा कि ये हुई किस जगह पर थी, तो अजात शत्रु के समय राजधानी आपको पता है मगध की क्या थी, वही शाही संरक्षण किसका प्रदान था इसको, मगध का, क्योंकि मगध ही उस समय सबसे बड़ा साम्राज्य हो चुका था। तो मगध की राजधानी थी वहाँ पर क्या, राजगृही, इसको आज के डेट में हम लोग राजगीर भी कह देते हैं, वो जगह थी जहाँ पर यह हुआ। अब यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर कार्य क्या क्या हुए। तो यहाँ पर जो है दो प्रसिद्ध जो है ग्रंथ लिखे गए, त्रिपिटक में से दो पिटक लिखे गए यहाँ पर। तो पहला एक तो जो पिटक था उसका नाम था सुत्त पिटक, आप इसको अंग्रेजी में से लिख सकते हो सुत्त पिटक। जहाँ पर ये शब्द आता है पिटक, पिटक का मतलब होता है बास्केट से, बास्केट मतलब कोई टोकरी टाइप की, और सुत्त का मतलब यहाँ पर क्या होता है उस बात को भी हम यहाँ पर समझेंगे अच्छे तरीके से। सुत्त का मतलब है सूत्र, कहीं ना कहीं आपने सुना भी होगा ना सूत्र। सूत्र एक प्रकार से क्या होता है कि जो टीचिंग्स है, एक तरीके से जो टीचिंग्स थी, टीचिंग्स किसकी हो सकती हैं आप समझ पा रहे होंगे, किसकी, गौतम बुद्ध की। तो गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में कौन कौन सी शिक्षाएँ दी थी, उनका संकलन किया गया किसमें, सुत्त पिटक में। यहाँ पर सवाल ये पूछा जाता है कि ये जो था ये किसने लिखा था, तो ये जो था ये रिटन बाय आनंद, आनंद जो थे। अब यहाँ पर एक और नाम आ गया बड़ा प्रसिद्ध, आनंद। आनंद का मतलब है कि आनंद थे गौतम बुद्ध के एक प्रमुख शिष्य, तो उन्होंने ही जो इसका सुत्त पिटक की जो है क्या की थी, इसका इसको लिखा था उन्होंने, ठीक है। दूसरा हम यहीं पर ही जो समझ लेंगे, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दूसरा, ये तो पहला हो गया जो बना यहाँ पर। दूसरा पिटक जो बना था उसका नाम था विनय पिटक, विनय पिटक, पिटक फिर से वो टोकरी है, विनय पिटक। तो जो विनय पिटक है ये, अब विनय पिटक से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपसे कि भाई इसका इसमें इसका जो था इसको किसने राइट किया था, किसने इसको लिखा था, तो ये जो था ये लिखा गया था इन्हीं के गौतम बुद्ध के दूसरे शिष्य थे, बड़े प्रसिद्ध पीपिल थे इनके बहुत प्रसिद्ध, उनका नाम था उपाली, उनका नाम क्या था, उपाली नाम था उनका। तो उपाली ने जो है इसको जो लिखा था विनय पिटक को। विनय से आप समझ पा रहे होंगे कि विनम्रता की बात आ रही है। विनम्रता का मतलब हुआ कि जो भी गौतम बुद्ध से जुड़े हुए जो भिक्षु थे, बहुत सारे जो वहाँ पर भिक्षु थे, उनके लिए कुछ यहाँ पर बनाए गए कुछ कानून, यानी कि आप कह सकते हो कि इसमें लिखा गया था मोनेस्टिक कोड्स। अब मोनेस्टिक कोड्स का मतलब है, आप समझ सकते हो कोड्स है भाई ये, इसको बोल सकते हैं हम कि जो बौद्ध भिक्षु थे, भिक्षु को, भिक्षु की संहिताएँ, आप इसको ऐसा लिख सकते हो, भिक्षु की संहिताएँ। संहिताएँ का मतलब है एक प्रकार से कि कौन कौन से कानून, कौन कौन से नियम जो है फॉलो करने पड़ेंगे किसको, जो बौद्ध भिक्षु बनेगा उनको। वो बातें कहाँ पर की गई, विनय पिटक में की गई। तो पहली जो बौद्ध काउंसिल थी ये, प्रथम जो बौद्ध संगीत थी, इसमें ये प्रमुख कार्य हुए, सबसे पहली जो ये हुई। और यहाँ से बहुत बार क्वेश्चंस को भी जो है पूछा जाता है। यहाँ से आपको एक बात काफ़ी इंपॉर्टेंट पता चली होगी कि कौन कौन से दो पिटक, त्रिपिटक में से दो पिटक, एक और भी पिटक था अभिधम्म पिटक, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। तो तीन पिटक मिलकर के ही बनते हैं त्रिपिटक। तो ये त्रिपिटक प्रमुख ग्रंथ थे किसके, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए। दूसरी बौद्ध संगति की बात करते हैं, तो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी वो गौतम बुद्ध की मृत्यु के ठीक 100 वर्ष के पश्चात, यानी कि 383 BC में जाकर के हुई, 383 ईसा पूर्व में जाकर के हुई थी वो, ठीक है। तो ईसापुर में जाकर के हुई 100 साल के पश्चात में हुई। इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था सब्बा कामी। मैंने आपको पहले पिछले बार में बताया कि सब्बा कामी जाहिर सी बात है कौन रहे होंगे, जो सबसे वरिष्ठ या सबसे सीनियर मोस्ट बुद्धिस्ट मॉन्क थे, सबसे जो वरिष्ठतम एक प्रकार से बौद्ध भिक्षु थे, यानी कि बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध जो गुरु थे। मैंने आपको कल वाली वीडियो में एक बात और भी बताई थी कि मैंने आपको स्तूप की कुछ संरचना बताई थी, इस टाइप से स्तूप होता है इस टाइप से। तो ये जो स्तूप होता है यहाँ पर जो है इनके रिमेन्स रखे जाते हैं, रेलिक्स। रेलिक्स का मतलब हुआ कि जो शारीरिक अवशेष होते हैं। तो स्तूप का संबंध मैंने पहले भी बताया था आपको कि गौतम बुद्ध की मृत्यु को जो हम इंडिकेट करते थे, सिम्बलाइज कर रहे थे उसको, तो उसको प्रतीक चिन्ह दे रहे थे, तो वो स्तूप के तौर पर दिया करते थे।
जैसे सबसे बड़ा स्तूप आपका सांची का स्तूप हुआ एमपी का, आपका बरहूत का स्तूप हुआ, ऐसे बहुत सारे स्तूप है, अगर हम डिस्कस करेंगे उनके बारे में भी। तो सब्बा कामी क्या थे, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, शाही संरक्षण की बात अगर हम करते हैं यहाँ पर, तो शाही संरक्षण इसको किया था काला शोपा ने। काला शोप को आप जानते होंगे कि ये शिशुनाग वंश से संबंधित था, शिशुनाग वंश आपको पता भी होगा कि ये हरियक वंश के ठीक बाद में आया, जिसकी स्थापना शिशुनाग ने की थी और काला शोप उसका बेटा था। काला शोप के समय में इसकी राजधानी मगध की, मैंने आपको पहले बताया कि जितनी भी बौद्ध संगीतियाँ होंगी सभी मगध में ही होंगी, मगध में स्थान अलग अलग हो सकते हैं, एक को छोड़ करके जो लास्ट वाली होगी वो कश्मीर में जा करके होगी, उसको भी हम डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ था। स्थान की बात करते हैं तो काला शोप के समय में जो राजधानी थी मगध की वो क्या थी, वैशाली। तो वैशाली में जो है इसका आयोजन हुआ, इस दूसरी बौद्ध संगति का। यहाँ पर जो प्रमुख कार्य हुआ, तो बुद्ध जो ये बुद्ध धर्म था, बुद्ध धर्म में दो अलग अलग जो है एक प्रकार से सेक्ट्स आ जाएंगे। सेक्ट्स का मतलब आप समझ सकते हो कि एक प्रकार से संप्रदाय इसमें बन जाएंगे, लेकिन ये संप्रदाय किसी डिवीज़न को नहीं दिखा रहे थे, केवल और केवल जो अलग अलग प्रकार से, एक तो ऐसे लोग थे कि जो एक ही जगह पर रह करके तपस्या करना चाहते थे, एक ऐसे लोग थे कि जो अलग अलग जगह पर जा करके जो तपस्या करना चाहते थे, उपदेश देना चाहते थे। कुछ लोग ऐसे थे कि जो महिलाओं को, फीमेल्स को या वीमेन को एंट्री देना चाहते थे बौद्ध संघ में। कुछ ऐसे भी थे कि जो उनका विरोध करते थे कि हम ऐसा नहीं करेंगे। तो जैसे कि हम बात करते हैं, इसमें दो जो बने, एक का नाम था स्थाविर विदिंस कहते हैं इनको अंग्रेजी में, स्थाविर विद। तो जो ये स्थाविर विद थे, स्थाविर विद का मतलब हुआ एक प्रकार से कि ये ऐसे लोग थे कि जो कठोर तपस्या पर जो है फोकस किया करते थे, और जिन्होंने जो है कहा था कि जो एंट्री है वुमेन की वो नहीं होनी चाहिए, वो रेस्ट्रिक्ट कर दी इन्होंने कि संघ में जो है, किस में भाई बात हो रही, संघ की। मैंने आपको त्रिरत्न बताए थे ना, थ्री जेवल्स, बुद्ध धर्म और जो है संघ। तो बौद्ध संघ में जो है महिलाओं की एंट्री होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, इस पर थोड़ा विवाद चल रहा था। तो ये लोग क्या कहते थे, ये बोलते थे कि महिलाओं की एंट्री यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही दूसरे जो थे वो कौन थे, महासंघिका से संबंधित, महासंघिका का मतलब आप समझ रहे होंगे जो संघ को महान मान रहे हो, और उन्होंने कहा कि महिलाओं की एंट्री भी वहाँ पर होनी चाहिए। तो महासंघिकाज इनको कहा गया कि जो संघ में महिलाओं की एंट्री से संबंधित थे, और ये इनका मानना ये था कि जैसे गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग का के बारे में जो डिस्कस किया था, इनका मानना ये था कि कोई भी व्यक्ति बौद्ध धर्म को जो ज्वाइन कर सकता है, और ज्वाइन करने के साथ साथ में वो अपने मध्यम मार्ग के माध्यम से उसको जो है फॉलो भी कर सकता है। बात करते हैं तीसरी बौद्ध संगति के बारे में, तो इसका समय था 250 BC, यानी कि 250 ईसा पूर्व का इसका जो समय था, 250 ईसा पूर्व का इसका समय था। इससे पहले वाली 383 BC में हुई थी, यानी कि लगभग 133 वर्ष के बाद में जाकर के ये वाली संगति हुई। आप आइडिया लगा सकते हो कि फिलहाल तो हम एक जगह ही पढ़ रहे हैं इनको, इसलिए बहुत जल्दी जल्दी हम जो इसको इसके टाइमलाइन को जो है बढ़ा रहे हैं, लेकिन आप समझ सकते हो कि 100 साल के बाद में जाकर के ये सारी चीज़ें हुई। हमारे देश को भी आज़ाद हुए भी 100 साल नहीं हुए, तो आप आइडिया लगा सकते हो कि बौद्ध धर्म कितने वर्षों तक जो है बहुत अच्छी पोजिशन पर रहा। इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था मोगलीपुत्र तिस। तो मोगलीपुत्र तिस जो थे वो उस समय सबसे बड़े क्या रहे होंगे, सबसे बड़े बौद्ध भिक्षु रहे होंगे, सबसे वरिष्ठ रहे होंगे, सीनियर मोस्ट रहे होंगे, और उन्हीं की अध्यक्षता में, चेयरमैनशिप में इसको जो है इसका आयोजन किया गया था। शाही संरक्षण की बात करते हैं, तो आपने नाम सुना होगा सम्राट अशोक का। तो अशोक महान जो थे मौर्य वंश के थे, और मगध के ही जो क्या थे ये सम्राट थे, आप इस बात को भी जानते हो मौर्य वंश से संबंधित। अशोक के फादर का नाम बिंदुसार था, और उन्हीं के फादर का नाम क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो जैन समुदाय से संबंधित थे, इनके जो फादर थे बिंदुसार वो आजीवक संप्रदाय से संबंधित थे। अशोक ने जो धर्म अपनाया वो कौन सा धर्म अपनाया, बौद्ध धर्म अपनाया। तो ये चीज़ यहाँ पर हुई। अशोक के समय मगध की राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र थी। तो जाहिर सी बात है कि इसका आयोजन कहाँ पर होगा, पाटलिपुत्र में होगा। इसमें जो तीसरा सबसे प्रमुख पिटक था जिसका नाम था अभिधम्म पिटक, आप समझते हैं बास्केट की बात हो रही है, तो अभिधम्म पिटक उसका जो है यहाँ पर निर्माण किया गया, कंपाइलेशन किया गया उसका।
अभी धम्म में आपको ये शब्द दिखाई पड़ रहा होगा धम्म या धम्म यहाँ पर, तो ये जो धम्म शब्द था, ये धम्म शब्द इसको की जो थेसिस थी या इसका जो सिद्धांत था धम्म का सिद्धांत, वो दिया था किसने? अशोक ने। ये धम्म कुछ और नहीं, एक प्रकार से धर्म को ही इंडिकेट करता है, लेकिन इसमें कुछ व्यक्तिगत बातें, कुछ पर्सनल अपनी जो थिंग्स कुछ इसने अशोक ने भी जो इसमें शामिल की थी। अब धम्म में क्या बातें लिखी गई थी? धम्म में बात की गई थी जैसे नैतिकता की बात वहाँ पर की गई, यानी कि इसमें जो है नैतिक शिक्षा की बात होगी, ठीक है ना। नैतिक शिक्षा का मतलब कि बड़ों का सम्मान करो, छोटों को स्नेह करो, ठीक है, जो ब्राह्मण है उनको दान दो। तो इसमें एक प्रसिद्ध बात भी लिखी हुई है कि अपासी ने बहु के आने दया दाने सदे साधवे च, ये एक बात लिखी गई है, पाली भाषा में लिखी गई है, आगे डिस्कस करेंगे इसको। अशोक के एक शिलालेख में भी लिखी गई है, तो वहाँ पर धम्म के बारे में जो है चर्चा भी की गई है अशोक के द्वारा। तो धम्म का मतलब है कि नैतिक शिक्षा, साथ ही साथ में जो है ये धम्म, चूँकि यहाँ पर अभिधम्म गौतम बुद्ध से संबंधित है, तो गौतम बुद्ध से संबंधित है, तो यहाँ पर जो बुद्ध ने जो शिक्षा दी थी, बुद्ध की शिक्षाएँ यानी कि बुद्धिस्ट जो बुद्धा की जो टीचिंग्स थी, वो उनका एक प्रकार से यहाँ पर संकलन किया गया, कंपाइलेशन किया गया यहाँ पर। बुद्ध की शिक्षाएँ दोनों प्रकार की थी, इनमें एक का जिक्र तो खुद अशोक ने भी किया, नैतिक वाली जो नैतिक शिक्षाएँ थी, साथ में स्पिरिचुअल जो शिक्षा थी, स्पिरिचुअल एजुकेशन जो थी, या आध्यात्मिक शिक्षा आप इसको कह सकते हो, तो आध्यात्मिक शिक्षा भी जो है यहाँ पर अभिधम्म पिटक में जो है दी गई थी। तो अभिधम्म पिटक जो तीसरा प्रमुख पिटक था यहाँ पर, और गौतम बुद्ध या बौद्ध धर्म से जुड़े हुए तीन पिटक जिनको त्रिपिटक या थ्री बास्केट्स कहा जाता है, उनमें ये भी काफ़ी प्रमुख था, सबसे बड़ा भी यही था अभिधम्म पिटक। तो ध्यान रखना कि तीन पिटक, त्रिपिटक में तीन पिटक आ चुके हैं आपके, तीन जो है बास्केट्स आ चुके हैं, जिनमें पहले सुत्थ पिटक था, फिर विनय पिटक था, और फिर अभिधम्म पिटक था। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चौथी जो बौद्ध संगति थी, उसका जो आयोजन किया गया था वो 98 AD में किया गया था, यानी कि ईसवी इसको कहेंगे आप लोग। ईसवी का मतलब आपको स्केल जानते ही होंगे, जैसे मैं फिर से यहाँ पर बता देता हूँ आपको कि जब सन एक था या एक ईसवी, उस समय जो है जन्म हुआ था किसका? ईसा मसीह का। इसके इधर का जो पोर्शन है, जैसे आज 2021 चल रहा है, तो 2021 AD या ईसवी हो चुका है, और जो उसके ठीक नीचे की तरफ जाएगा तो यानी कि बिफोर क्राइस्ट यानी कि BC यानी कि ईसा पूर्व की बात हो रही है। तो यहाँ पर मैंने मान लिया 2021 है, तो ये BC हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो जैसे आप लोगों ने यहाँ पर एक बात समझी है कि पहली बौद्ध संगीति हुई थी कब? 483 BC में हुई। दूसरी जो हुई वो 383 BC में हुई। तीसरी जो हुई वो 250 BC में हुई। और जो चौथी हो रही है वो 98 AD में हो रही है। तो चौथी ये है, ये तीसरी यहाँ पर हुई, दूसरी यहाँ पर, और पहली यहाँ पर। तो यानी कि इससे भी काफ़ी सालों के बाद जाकर के, यानी कि 250 वर्ष तो यहीं हो गए, 98 यहीं हो गए, लगभग 350 साल के बाद में जाकर के ये वाली जो चौथी बौद्ध संगति होगी, इसका आयोजन किया जाएगा। इसके आयोजन के समय दो थे यहाँ पर, एक ने अध्यक्षता की थी, क्योंकि ये बड़े पैमाने पर हुई, सबसे बड़ी जो बौद्ध संगति थी वो यही थी, चौथे वाले हैं। इसमें एक तो अध्यक्ष थे जिनका नाम था वसुमित्र। तो वसुमित्र ने जो है इसकी अध्यक्षता की, और इसके उपाध्यक्ष थे जिनको आप वाइस चेयरमैन कह सकते हो या उपाध्यक्ष कह सकते हो, वाइस चेयरमैन कह सकते हो या उपाध्यक्ष कह सकते हो, जिनका नाम था, आपने सुना भी होगा पहले, अश्वघोष। तो अश्वघोष, अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। इस समय जो ये हुई थी, इसको शाही संरक्षण दिया था कुषाण शासक थे जिनका नाम था कनिष्क, आपने इनका नाम सुना होगा, आगे पढ़ेंगे भी। ये मौर्योत्तर काल में थे, पोस्ट मौर्यन पीरियड में, यानी कि मौर्यों के बाद में आए, अशोक वगैरह के सबके बाद में आए ये शासक। तो जो कनिष्क थे, कनिष्क जो शासन करते थे, ये कौन से वंश के थे? कुषाण वंश के थे, कुषाण डायनेस्टी के थे ये, तो कुषाण वंश से संबंधित थे ये। उस समय इनका उत्तरापथ एक जगह पड़ती थी, एक पाथ था जहाँ से ताम्रलिप्ति से आपका यहाँ तक जुड़ा हुआ था। मैं आपको छोटा सा मैप बना देता हूँ यहाँ पर, फिर इसको तुरंत हटा दूंगा। यहाँ पर आपका वेस्ट बंगाल पड़ता है, वेस्ट बंगाल में एक बंदरगाह था जिसका नाम था ताम्रलिप्ति। तो ताम्रलिप्ति बंदरगाह से लेकर के यहाँ पर एक जगह पड़ती है तक्षशिला, आप सभी जानते होंगे तक्षशिला को। तो उस समय उत्तर भारत में जो सबसे प्रमुख शासन था वो कुषाणों का था। हालांकि कुषाण बाहर से आए थे हमारे देश में, लेकिन फिर हमारे देश में जो इनका रहना हो गया, तो जैसे भाई कुजुल कडफिसस, भीम कडफिसस, कनिष्क, ये प्रसिद्ध जो है कुछ कुषाण शासक थे, जिनमें सबसे ज़्यादा फेमस कौन हुआ कुषाणों में? वो हुआ कनिष्क। तो कनिष्क के समय ये उत्तरापथ था,
और उत्तरापद कश्मीर से होकर के जाया करता था। कहाँ से जाता था? कश्मीर से होकर के। तो इसीलिए इसका जो स्थान था वो स्थान भी क्या था इसका? कश्मीर था। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ उसको कि कश्मीर में इसका आयोजन हुआ। कश्मीर में भी अगर स्पेशली पूछ लिया जाए कि किस जगह पर हुआ था तो कुंडल वन में हुआ था। कुंडल वन एक जगह पड़ती थी, कुंडल वन। तो कुंडल वन कश्मीर में जो है इसका आयोजन हुआ चौथी बौद्ध संगति का। इस समय जो प्रमुख जो कार्य हुआ, तो प्रमुख कार्य क्या हुआ यहाँ पर, तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो मैं यहीं पर लिख देता हूँ। एक धार्मिक ग्रंथ था जिसका नाम था महाविभाषा, महाविभाषा शास्त्र, महाविभाषा शास्त्र। तो महाविभाषा शास्त्र की जो है एक ग्रंथ था प्रमुख, जिसकी जो है यहाँ पर निर्माण किया। और इसका निर्माण किसने किया था? वसुमित्र ने किया था। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, वसुमित्र ने महाविभाषा शास्त्र का निर्माण किया था। अब पूछ सकते हैं कि महाविभाषा शास्त्र में ऐसा क्या लिखा हुआ था, तो प्लीज़ आप लोग वैसे ही ओरली नोट कर सकते हो उस चीज़ को कि महाविभाषा शास्त्र में वसुमित्र ने जो तीन पिटक बने थे इससे पहले, शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, उनको जो है संस्कृत, ध्यान रखना कि ये लिखा गया था संस्कृत भाषा में, ये संस्कृत भाषा में लिखा गया था, तो उनको संस्कृत भाषा में कन्वर्ट किया गया एक प्रकार से। वो कन्वर्ट करके भी इनको कंसाइज फॉर्मेट में लिखा गया, जिसको हम कमेंट बोल देते हैं, यानी कि ये जो है संस्कृत में कमेंट थी या टीका थी। टीका, टीका का मतलब है कि उसकी खास खास हाईलाइट्स उठा करके इसमें लिखी गई, जो तीनों के तीनों पिटक थे संस्कृत भाषा में, कि उसका नाम क्या रखा गया? महाविभाषा शास्त्र, जिसको लिखा था किसने? वसुमित्र ने लिखा था। इसी चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल में एक प्रसिद्ध चीज़ हुई जो सबसे इम्पोर्टेंट है गौतम बुद्ध को या बौद्ध धर्म को समझने के लिए। यहाँ पर पहली बार बौद्ध धर्म में डिवीज़न पैदा हो गया, यानी कि बौद्ध धर्म में विभाजन हो गया। तो जो डिवीज़न पैदा हुआ किस में? बौद्ध धर्म में, बुद्धिज़्म में। तो ये डिवीज़न किस प्रकार का था, ये विभाजन कैसा था? इस समय आप देखोगे कि दो अलग अलग बन गए थे इसके जो है भाग। बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया। एक को कहा गया हीनयान, क्या कहा गया? हीनयान। एक को कहा गया महायान। तो दो अलग अलग इसकी ब्रांच बन गई थी, दो अलग अलग इसकी क्या बन गई थी? शाखाएं बन गई थी। किसकी? ये बन गई थी आपकी शाखाएं किसकी? बौद्ध धर्म की। तो हीनयान को आप जनरली कह सकते हैं लेसर व्हीकल। लेसर व्हीकल का हीन का मतलब क्या होता है? छोटा। यान का मतलब कोई व्हीकल, कोई व्हीकल मतलब कोई सवारी टाइप की। इसको कहा गया ग्रेट व्हीकल, ग्रेट व्हीकल इसको कहा गया। तो ये लेसर व्हीकल, वो ग्रेट व्हीकल, ये बस ब्रांच का उन्होंने नाम कर दिया इस प्रकार से। अब इन दोनों में क्या क्या मूलभूत बेसिक जो इनमें अंतर थे वो क्या क्या थे, उसको हम थोड़ा सा यहाँ पर समझेंगे। आप थोड़ा मैं ओरली बोलता रहूँगा सारी चीज़ों को, आप जो भी नोट करना चाहोगे तो वीडियो को पॉज कर करके बीच में नोट भी कर सकते हो। जैसे हीनयान जो लोग थे, यानी कि इसमें जो संप्रदाय में जो ये बौद्ध धर्म था इसमें डिवीज़न हुआ, तो डिवीज़न इसमें विभाजन इसलिए हुआ होगा क्योंकि आपस में मतभेद होगा कुछ ना कुछ बौद्ध भिक्षुओं में। तो बौद्ध भिक्षुओं में कुछ मतभेद हो गए थे आपस में, और मतभेद क्यों है उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, आपको सारे समय नहीं जोड़ते, तो खास खास से वो सारे यहाँ पर समझ में आ जाएंगे दोनों जगह पर यहाँ पर, ठीक है। कुछ लोग, कुछ बौद्ध भिक्षु ये चाहते थे कि हम गौतम बुद्ध को एज इट इज़ जो है एक इंसान के रूप में, एक महापुरुष के रूप में उनको जो है मानते रहें, उनकी शिक्षाओं को ग्रहण करते रहें। कुछ लोग इसी, कुछ जो है बौद्ध भिक्षु थे वो ये चाहते थे कि हम क्या करें, गौतम बुद्ध को भगवान के रूप में उनकी पूजा पाठ जो करना शुरू कर दें। ये जो लोग थे ये उनको केवल एक इंसान समझना चाहते थे, एक महापुरुष समझना चाहते थे, उनको एक महान व्यक्तित्व की श्रेणी में रखना चाहते थे, ये उनको ईश्वर की श्रेणी में रखना चाहते थे। तो ये तो था इनका मूलभूत अंतर, बेसिक जो डिफरेंस था। बाकी और क्या क्या होंगे उसको हम समझेंगे। यानी कि सबसे पहली चीज़ क्या थी कि ये जो थे ये बिलीव करते थे। इन्होंने क्या किया? बिलीव किया। इन्होंने, इनको विश्वास था कि इसमें जो ओरिजिनल ओरिजिनल टीचिंग्स थी इसकी, गौतम बुद्ध की, आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि ये बुद्ध की जो मौलिक शिक्षाएं थी उनमें विश्वास करते थे। बुद्ध की जो मूलभूत शिक्षाएं उन्होंने दी उनमें ये क्या करते थे? उनमें विश्वास करते थे। और जो ये लोग थे ये वाले, ये किस में जो विश्वास करते थे, इन्होंने किस में बिलीव किया, इस बात को यहाँ पर समझना है। जैसे मैंने आपको बताया है कि ये बुद्ध को ईश्वर के रूप में जो है मानते थे, यानी कि इन्होंने बात की हेवनली नेस नेस ऑफ बुद्धा, यानी कि इन्होंने बुद्धा को, गौतम बुद्ध को ईश्वर का रूप दिया। ये उनको ईश्वर के रूप में जो है पूजते थे, मानते थे।
ये उनको केवल और केवल क्या मानते थे, ये मानते थे कि जो गौतम बुद्ध थे वो एक महान व्यक्ति थे, ठीक है ना। तो इन्होंने जो है उनको सिर्फ एक महान व्यक्ति समझा, इन्होंने उनको संज्ञा दे दी कहीं ना कहीं, किसकी, गौड की संज्ञा दे दी। तो पहला तो जो मूलभूत अंतर था वो इसमें ये था, बाकी आगे समझते हैं। बाकी और इनमें क्या चीज़ें थी उसको हम यहाँ पर समझेंगे कि ये लोग जो थे ये इंडिविजुअल सेल्वेशन में विश्वास करते थे। इसका मतलब था कि ये जो है हर एक व्यक्तिगत प्रयास से, व्यक्तिगत प्रयास का मतलब हुआ कि अपने प्रयासों से मोक्ष या निर्वाण की प्राप्ति पर बल देते थे। ये कहते थे कि आपको कठोर तप करना पड़ेगा। कठोर का मतलब आप यहाँ पर केवल तप ही लिख सकते हो, तो कठोर तप कि गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को यदि ग्रहण करना है तो आपको खुद से अपने ही प्रयासों से, इंडिविजुअल जो है एफर्ट से आपको मोक्ष के निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है, इनका ऐसा मानना था जो हीनयान से जो जुड़े हुए थे, ठीक है। और ये कैसे हो सकता है कि आपको सेल्फ डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, यानी कि आपको जो है स्व अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन जिसको कह देंगे हम लोग, इससे हो सकता है, प्लस मेडिटेशन यानी कि ध्यान करने से, ध्यान कह सकते हो उसको या इसको आप लोग तप कह सकते हो, इसके ही प्रयासों से आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। हर एक व्यक्ति को अपने अपने स्तर पर अलग अलग प्रयास करना चाहिए। जबकि जो ये थे महायान, इन्होंने कहा कि हमें जो ये सेल्वेशन मिलेगा, हमें जो सेल्वेशन मिलेगा, इन्होंने जो शब्द सेल्वेशन, मैं इसको अभी हिंदी में बताऊंगा, बाई बोधिसत्व, बोधिसत्व इसको कहा जाएगा, यानी कि जो महायान थे, महायानी जो लोग थे ये, इन्होंने कहा कि एक बोधिसत्व आएंगे। बोधिसत्व का मतलब है कि इसको आप बोल सकते हो कि ये प्रकार से क्या था, एक प्रकार से इनकार्नेशन था, एक प्रकार से जो है अवतार थे, किसके, बुद्ध के अवतार, ठीक है ना, बुद्ध के अवतार की बात हो रही है यहाँ पर। तो ये बुद्ध के अवतार इन्होंने इसको माना, और इन्होंने कहा कि एक बोधिसत्व आएंगे और वो हमें क्या करेंगे, हमें मोक्ष के निर्वाण की प्राप्ति जो करा देंगे। यानी कि जाहिर सी बात है कि यहाँ पर सेल्फ एफर्ट्स की बात नहीं की गई, इसीलिए जो है ये काफ़ी आसान जो है पड़ गया, यानी कि महायानी जो थे, महायानियों से जुड़ना थोड़ा आसान हो गया आम व्यक्ति के लिए भी, कोई भी उससे जुड़ सकता था, क्योंकि उनको खुद से कोई एफर्ट, कोई तप, वो ध्यान व्यान कुछ जो करने की आवश्यकता नहीं थी, जैसा कि हीनयान में था। हीनयान वालों ने एक बात और कही, उस समय भारत में, स्पेसिफिकली उत्तर भारत में, पाली भाषा बड़ी प्रसिद्ध थी। यहाँ पर क्या थी, पाली भाषा प्रसिद्ध थी। इन्होंने कहा कि हम जो भी उपदेश देंगे, जो भी सर्मंस देंगे, जो भी उपदेश होंगे, जो भी शिक्षाएं होंगी, एजुकेशन होंगी, वो सभी की सभी किस में होगी, पाली भाषा में देंगे। इन्होंने यहाँ पर एडॉप्ट कर लिया किसको, संस्कृत भाषा को। इन्होंने कहा कि हम संस्कृत भाषा में सभी की सभी शिक्षाएं अपनी जो है देते रहेंगे। साथ ही बात करें तो इन्होंने आइडल वर्शिप, आइडल वर्शिप का मतलब है कि मूर्ति पूजा, आइडल वर्शिप मूर्ति पूजा कि ये क्या थे, ये उसके अगेंस्ट थे, उसका अपोज करते थे, उसके विरुद्ध थे ये लोग, जबकि ये मूर्ति पूजा में क्या करते थे, विश्वास करते थे। एक प्रकार से आप कह सकते हो कि ये जो लोग थे ये रिचुअल्स पर बिलीव नहीं करते थे, रिचुअल्स मतलब कर्मकांड, कर्मकांड पर इनको बिलीव, इनको ट्रस्ट नहीं था, जबकि इनको इस पर भी ट्रस्ट था। तो इन्होंने मूर्ति बनाई गौतम बुद्ध की, पूजना शुरू किया, वहाँ पर हवन वगैरह करना शुरू किया, बहुत सारी चीज़ें करनी शुरू की। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा नज़दीक आ गया ब्राह्मण धर्म के, ये वाला जो महायान ब्रांच थी। तो हालांकि इसमें बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई और भी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपके एग्ज़ाम के परस्पेक्टिव से ये चीज़ें काफ़ी जो है इसमें जो है आपके, मुझे लगता है कि क्वेश्चंस यहाँ से सारे सारे आपको मिल जाएंगे। अगले वाले उसमें जो सेशन में हम समझेंगे कि बोधिसत्व कौन थे और कौन कौन सी जो है चीज़ें, जैसे मैं आपको बताऊँ, जैसे कितने प्रकार के आर्किटेक्चर्स थे, आर्किटेक्चर मतलब जो अलग अलग जैसे स्तूप थे, चैत्य थे, विहार थे, कौन कौन सी गुफाएं थी, किसने उनका निर्माण किया, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ थी, ये बातें हमने ऑलरेडी पहली वीडियो में डिस्कस की थी, तो इनको नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे।